In this video, we are going to discuss another topic of chapter 7, page number 95, slowing things down. We know that if we stop pedaling bicycle, it will slow down and stop. अगर हम बाईसाइकिल को पैडल करना स्टॉप कर देंगे, वो रुक जाएगी और स्टॉप हो जाएगी. ये इट इज़ एज वी इफ़ वी नीड टू कीप पुशिंग विद अ फोर्स जस्ट टू कीप अ स्टडी स्पीड. ये ऐसे ही है कि एक स्पीड में एक स्पीड बढ़कर को कायम रखने के लिए वी कीप पुशिंग, उसको पुश करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स. However, this force is needed to balance. यहाँ तक कि ये force balance करती है other force को which act against motion, जो कि motion के against work करती है. This forces are friction and air resistance. Friction always acts when we try to slide one thing over another. Friction वहाँ हमेशा काम करती है when we try, जब हम कोशिश करते हैं to slide one thing to over another, जब एक चीज़ को दूसरे पे slide हम करते हैं. This is because all surfaces पे होता है, even polished हो, या वो polished हो ones हो या वो rough हो. If we try to push one surface over another, अगर एक surface को दूसरी surface पे push करते हैं, the rough pieces catch on each other. The rough surface है उस pieces को catch कर लेता है. This causes a force to act against or push. ये force act करती है against the push. जो हम force apply करते हैं उसके against ये force apply होती है and then we stop the certain things. For example, this is the bicycle uses brakes. Brakes use friction. How? This is the tire, and when it rubbed on the road, right? And we apply the brakes. The bicycle stop due to the friction, because friction caused between the tire and road. These are the two surfaces and sliding one surface to another. When we want things to keep moving, जब हम चाहते हैं कि चीज़ें move करती रहें, friction is nuisance because we have to use energy to overcome it. Friction उस वक्त noisiness हो जाती है because noises means शोर करती है. जैसे आप अगर एकदम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो गाड़ी टायर से आपको आवाज़ आती है, क्योंकि वो एक सडन फोर्स अप्लाई होती है ब्रेक्स पे एंड दिस कॉजेज अ नॉइजनेस. ल्यूब्रिकेंट सच एज ऑयल कैन मेक थिंग्स मूव मोर इजीली. ये कैसे वर्क करता है कि फ्रिक्शन कॉज्ड व्हेन वी अप्लाई द फोर्स ऑन द ब्रेक, इंजन वर्क्स एंड कॉज्ड अ stop and stop the things with the help of lubricants. जब हम lubricants use करते हैं, lubricants named as oil can make the things move. ठीक है, अगर किसी गाड़ी में petrol है तो then they are able to move. When we want to things to stop, we use friction. And friction कहाँ होती है? When we apply the force on the brakes. When bicycle brake blocks rub on the rim of the wheel, the friction slows the bicycle down. The same case, जब bicycle brake को apply करते हैं तो वो block कर देती है wheel के rim को, rim of the wheel, and the friction slows. और friction जो wheel और road के rub होने से cause होती है, it slows the down the bicycle. So friction क्या है? Friction is the force that stops the moving object. When we rub two surfaces, when we one surfaces slide another surfaces, it causes the friction.
एंड दिस फ्रिक्शन एक्ट अगेंस्ट द मोशन. नेक्स्ट इज एयर रेजिस्टेंस. द एयर इज मेड अप ऑफ गैसेज. एज अंडरलाइन दिस लाइन, एयर जो है वो डिफरेंट गैसेज से बनी हुई है. द मॉलिक्यूल इन दीज गैसेज बर्म इन टू मूविंग ऑब्जेक्ट कॉजिंग अ फोर्स. जो मॉलिक्यूल इस गैसेज में होते हैं वो मूविंग ऑब्जेक्ट में फोर्स का काम फोर्स कॉज करते हैं. एयर रेजिस्टेंस टू एक्ट अगेंस्ट द मोशन. एयर रेजिस्ट करती है जो अगेंस्ट द मोशन, जो मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करती है. एट लो स्पीड दिस इज ओनली अ स्मॉल फोर्स. जब आहिस्ता कोई चीज़ होती है तो वो स्मॉल फोर्स अप्लाई होती है टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट. एट हाई स्पीड इट बिकम मच लार्जर. एयर रेजिस्टेंस कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग शेप्स विच लेट द एयर स्लिप पास मोर इजीली. दिस इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइनिंग. स्ट्रीमलाइनिंग ये होता है कि जैसे आपने ये एरोप्लेन की शेप बनी है, ये जो विंग्स हैं, इट स्लाइड्स, इट लेट द एयर स्लिप, राइट. ये एयर को जो है वो पीछे की तरफ पुश करती है. एयर रेजिस्ट करती है टू मूविंग ऑब्जेक्ट, बट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट स्लिप्स द एयर इजीली एंड दिस इज कॉल्ड द इट रिड्यूसेस द स्ट्रीमलाइनिंग. एंड व्हाट इज द स्ट्रीमलाइनिंग? टू रिड्यूस द एयर बाय यूजिंग द डिफरेंट शेप्स. You can see in the example, this is the aeroplane and this is the wing of these aeroplane. It reduces air resistance. And what is air resistance? Air resistance, जैसे हवा जो है moving object को stop करती है. It put the force, ठीक है, जितनी. और इस तरह streamlining उस air resistance को कम करती है, ठीक है. इट फ्लाई फर्दर, राइट, एट द स्टडी स्पीड विदाउट स्टॉपिंग. सो दिस एयर रेजिस्टेंस एक्ट्स देयर वेयर मोशन इज कॉज्ड. इफ देयर इज अ लो स्पीड, द स्मॉल फोर्स इज अप्लाइड. इफ देयर इज अ हाई स्पीड, इट बिकम्स अ लार्जर. हेयर इज अनदर एग्जाम्पल्स. फ्रिक्शन, हाउ डू फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस अफेक्ट द मोशन ऑफ अ मोटर कार? टू एक्सेलरेट, द फोर्स फ्रॉम द इंजन मस्ट बी बिगर देन द फोर्सेज ऑफ फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस पुट टूगेदर. फोर्स ड्यू टू इंजन, या जो इंजन वर्क कर रहा है और एयर रेजिस्ट कर रही है, ठीक है, एंड फ्रिक्शन क्या कर रहा है? टू स्टॉप द कार, राइट. टू एक्सेलरेट यू अप्लाई द टू एक्सेलरेट द फोर्स फ्रॉम द इंजन मस्ट बी बिगर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अगर आप इंजन की जो फोर्स है वो बिगर होगी फ्रिक्शन से और एयर रेजिस्टेंस से, देन इट द कार इज मूविंग. At steady speed, the forward force will just balance the forces of friction and air resistance. ठीक है, जब एक steady speed रखेंगे the forward force, वो balance करे force of friction and air resistance को. To stop a car, the driver takes his foot off the accelerator. ठीक है, car कब stop होगी? जब ड्राइवर एक्सीलेटर से पाँव हटा लेगा. दिस रिड्यूसेस द फोर्स फ्रॉम द इंजन, ये कम कर देगी फोर्स इंजन से. ही आल्सो पुट ऑन द ब्रेक्स, दिस इंक्रीजेस द फ्रिक्शन. जब ब्रेक्स पे फोर्स अप्लाई होगी तो फ्रिक्शन कॉज होगी, टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शन कॉज होगी और आपकी कार स्टॉप हो जाएगी. इन दिस वे फ्रिक्शन एंड रेजिस्टेंस अफेक्ट्स द मोशन ऑफ द कार. You can easily observe, first to accelerate. Acceleration kya hai? When you apply the force from the engine, agar wo
आप जितनी फोर्स लगाएंगे ब्रेक्स पे, देन देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस पुट टुगेदर लगाते हैं, इट शुड बी अ बिगर. जब वो बिगर होगी देन योर कार इज इन द मोशन पोजिशन. एट स्टडी स्पीड तब होगी जब फोर्स जो ब्रेक है और फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस को बैलेंस होगा. एंड द लास्ट इज कार विल बी स्टॉप्ड. हाउ? व्हेन द ड्राइवर पुट ऑफ द एक्सेलरेटर, पुट ऑफ द फोर्स फ्रॉम द ऑन द ब्रेक्स. दिस रिड्यूसेस द फोर्स ऑफ फ्रॉम द इंजन. ही ऑल्सो पुट द ऑन द ब्रेक्स. दिस इंक्रीजेज द फ्रिक्शन. वो फ्रिक्शन को इंक्रीज हो जाएगी, फोर्स फ्रॉम द इंजन कम हो जाएगी, देन योर कार विल बी स्टॉप्ड.